साथियों, जैसा कि आपने न्यूज में सुना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5 ईयर लॉ कोर्स शुरू होने जा रहा है। 5 ईयर लॉ कोर्स से जुड़ी हुई कई जानकारियों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मेघराज और मैं लॉ फैकल्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकेडमिक काउंसिल का भी मेम्बर हूँ। और जैसा कि आपने न्यूज में सुना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 5 ईयर्स का लॉ कोर्स शुरू होने जा रहा है, तो उससे जुड़ी हुई 5 चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहली बात कि ये लॉ कोर्स कब शुरू हो रहा है, दूसरी बात कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलरेडी 3 ईयर्स का लॉ कोर्स है और उसके अंदर 3350 सीट्स हैं, फिर ये क्यों शुरू हो रहा है, तीसरी चीज कि ये जो 5 ईयर का लॉ कोर्स है ये दिल्ली विश्वविद्यालय में कहाँ पर शुरू होगा, चौथी चीज कि इस कोर्स के अंदर कितनी सीट्स होंगी, और पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें एडमिशन जो है वो कैसे होगा। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का 5 ईयर्स लॉ कोर्स 2023-2024 के इस सेशन से शुरू होने जा रहा है और आप कह सकते हो कि 2 महीने बाद में ये कोर्स शुरू होगा। अब बात आती है कि ये क्यों शुरू हो रहा है जब दिल्ली विश्वविद्यालय के पास ऑलरेडी LLB 3 ईयर कोर्स में इतनी ज्यादा सीटें हैं। देखिए, NCR के अंदर बहुत सारे लॉ कॉलेजेस हैं, प्राइवेट लॉ कॉलेजेस जो 5 ईयर के लॉ कोर्स को जो है ऑफर करती हैं। 5 ईयर्स का लॉ कोर्स जो है वो लोग ज्यादा उसको प्रीफर करते हैं। उसका रीजन है, एक तो 1 ईयर सेव होता है, दूसरी बात वो एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी स्टूडेंट को मिलती है और करियर पर्सपेक्टिव के हिसाब से 12th के बाद में ही बच्चे को एक स्पेसिफिक करियर चुनने का मौका मिलता है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय भी जो है 5 ईयर का ये लॉ कोर्स शुरू कर रही है। जो हमारी मीटिंग हुई थी पिछली अकेडमिक काउंसिल की, उसमें 5 ईयर लॉ कोर्स हमने पास कर दिया था। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसमें भी ये कोर्स पास कर दिया और अब जो है बार काउंसिल से परमिशन लेके जल्द ही ये कोर्स शुरू होने वाला है। तीसरी बात पे आते हैं कि ये कोर्स कहाँ शुरू होगा। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो स्टैट्यूट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट 1922, उसके अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स हम शुरू करते हैं तो वो किसी फैकल्टी के अंदर जो है वो आता है। अब ये 5 ईयर्स का लॉ कोर्स जो है वो हमारे लॉ फैकल्टी के अंदर ही आएगा और शुरुआत में जो है ये नॉर्थ कैंपस के अंदर स्टार्ट होगा। उसके बाद में हो सकता है कि इसके लिए डेडिकेटेड एक अलग से कैंपस बना के वहां पे इसको शिफ्ट कर दिया जाए। फोर्थ बात पे आते हैं कि इसके अंदर कितनी सीट्स होंगी। देखिए, 5 ईयर लॉ कोर्स में 2 चीजें होंगी, एक होगा आपका BA LLB और दूसरा होगा BBA LLB। BA LLB के अंदर जो है आपका कोर सब्जेक्ट लॉ होगा, उसके अलावा आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा, और इसकी 60 सीट्स होंगी। दूसरी तरफ BBA LLB में कोर सब्जेक्ट लॉ होगा, उसके साथ आपका बिजनेस का जो है कोर्सेस होंगे और इसके अंदर भी 60 सीट्स होंगी, यानी कुल मिलाके इस लॉ कोर्स के अंदर 120 सीट्स होंगी। अब हम पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि इसके अंदर एडमिशन कैसे होगा, बिकॉज अभी तक ये इंफॉर्मेशन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। अब देखिए, ये जो 2023 का जो ये कोर्स शुरू होगा, इसके लिए जो एडमिशन होगा वो क्लैट टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। क्लैट का जो एग्जाम जो 2023-24 के लिए 18 दिसंबर 2022 में हुआ है, उसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जो है इस DU के कोर्स के अंदर बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, मैं मान रहा हूं कि इस बार ये जो इन्फॉर्मेशन इतनी बाद में मैं आप लोगों को दे रहा हूं और इतना लेट हुआ, बट देखिए कोई भी कोर्स जब स्टार्ट होता है तो उसके पहले में इस तरह की दिक्कत आती है। आगे से ये चीजें स्मूथ हो जाएंगी और प्रॉपर तरीके से होगा। सो साथियों, जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, जो भी वीडियो मेरी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर उन्होंने क्लैट का एडमिशन दिया है तो वो बिल्कुल सतर्क हो जाएं और जो है अच्छे तरीके से इस पे फोकस रखें और इसमें एडमिशन लें, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपने आप में नाम है, बहुत अच्छी फैकल्टी है और ये कोर्स जो है बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पे आप इतना पैसा खर्च करके 5 ईयर लॉ कोर्स करोगे, उनसे बहुत अच्छा होने जा रहा है। होप आपने ये वीडियो लाइक की होगी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।